रामायण की महागाथा पर आधारित आदि पुरुष में भगवान राम मां सीता के वनवास और रावण संग राम की लड़ाई को दिखाया गया है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जो उत्साह था उतना मजा फिल्म थिएटर्स में नहीं दे पाए। 500 करोड़ के बजट में बनी आदि पुरुष में कई बड़ी चूक है। फिल्म आदि पुरुष अपनी रिलीज के साथ ही चर्चा का हिस्सा बन गई है। इस फिल्म में तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास ने काम किया है। डायरेक्टर ओम राउत ने 500 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया है। रामायण की महागाथा पर आधारित आदि पुरुष में भगवान राम और मां सीता के वनवास और रावण संग राम की लड़ाई को दिखाया गया है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जो उत्साह था उतना मजा फिल्म थिएटर्स में नहीं दे पाए। अभी तक रामायण के जितने वर्जन स्क्रीन पर देखे गए हैं उनमें से ये सबसे अलग है। फिर भी आदि पुरुष के मेकर्स ने इसमें कई बड़ी चूक की है जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। शुरू से शुरू करते हैं। आदि पुरुष की कहानी की शुरुआत राम उर्फ राघव के जानकी सीता और शेष लक्ष्मण के साथ वनवास से होती है। इससे पहले की सारी कहानी राम जन्म, उनकी माँ, राजा दशरथ का राम के वनवास जाने के बाद विलाप और भरत का अपने भाई के लिए प्रेम कुछ भी आपको दिल को देखने के लिए नहीं मिलता। राम के युद्ध जीतने के बाद वापसी को भी नहीं दिखाया गया है क्योंकि फिल्म में आधी रामायण की स्टोरी ही नहीं दिखाई गई है, तो राजा दशरथ और कैकेयी के एक सीन के अलावा उन्हें नहीं देखा जाता। मंत्रा का षड्यंत्र, माँ कौशल्या, भरत, शत्रुघ्न जैसे किरदार फिल्म में नहीं दिखाए गए हैं।